मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इस वक्त युवाओं से संवाद कर रहे हैं, दिखाते हैं आप कि क्या प्रदेश के किसी युवा को कोई राशि मिली। इस बात को हमारे प्रदेश के नौजवान बेहतर समझते हैं। प्रदेश की आर्थिक गतिविधि चौपट हो चुकी है। केवल घोषणाओं और मीडिया की राजनीति से ध्यान हटाने का काम चल रहा है। 15 साल की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए झूठी घोषणाएं की जा रही हैं। वर्तमान में नौजवान निराश और हताश है। आपको याद होगा बीजेपी सरकार के 15 साल का हिसाब किताब। पिछड़ापन, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बलात्कार की घटनाएं। मैं समझता हूं प्रदेश का कोई भी नागरिक इन कठिन 15 वर्षों को कभी नहीं भूल सकता है। इन 15 वर्षों में सबसे बड़ा नुकसान तो उन नौजवानों को हुआ जो सरकारी नौकरी पाने के लिए व्यापम की परीक्षा देते थे। रात दिन पढ़ाई करके परीक्षा देने वाले नौजवानों को इस बात का पता ही नहीं चलता था कि उनके हिस्से की नौकरी पहले ही बिक चुकी है। मैंने व्यापम खत्म करके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो पारदर्शी हो और जो मेहनत करने वाले नौजवानों की प्रतिभा के साथ न्याय करता हो। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 15 वर्ष भाजपा की सरकार और 15 महीने कांग्रेस की सरकार। इस तस्वीर को समझना और पहचानना भविष्य के लिए आवश्यक है। आपका परिवार आपकी ताकत है। आपको भी अपना हौसला बनाए रखना होगा। आपको एक लड़ाई और लड़ना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान की रक्षा आपको करना है। बाबा साहब ने देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचा भारत के संविधान के रूप में दिया था। आज उस लोकतंत्र पर संकट बढ़ गया है। हमारे प्रदेश में जिस तरह की सौदेबाजी की राजनीति हुई है, यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस जमाने में इस तरह के सौदेबाजी का अंदेशा होता तो वह संविधान में इसका भी प्रावधान रखते। कोरोना महामारी के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान मेरे प्रदेश के बहुत से युवाओं ने जबरदस्त कार्य करके दिखाया है। नौजवानों ने अपने शहर और कस्बों के एक ज़रूरतमंद नागरिकों की सेवा की है। साथ ही दूसरों प्रदेश से आना जाना करने वाले नागरिकों, मजदूर भाइयों का दिल भी जीता है। ऐसे सभी नौजवानों का उनके संगठन को मैं बधाई देता हूँ। हमें अपने देश पर गर्व है। भारत जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ इतनी विभिन्नता और इतनी अनेकता हो। हमारे विभिन्न धर्म, जातियाँ, भाषाएँ, रस्म और केवल वही नहीं, इतने सारे देवी देवताओं के प्रति हमारी आस्था, यही पूरे विश्व में भारत की पहचान और महानता है। हमारी एकता हमारी संस्कृति का प्रतीक है और यही संस्कृति पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। हमें याद रखना है कि हम चाहें जितना भी आधुनिक बन जाएं, लेकिन सदैव अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मेरा निवेदन है कि युवा सच्चाई को जाने, पहचाने और सच्चाई का साथ दें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सभी के साथ हैं।